जयपुर की बात करते हैं, जहां पर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और 133 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जयपुर में 66, अजमेर में 44, टोंक में 7, कोटा में 6, नागौर में 4, जोधपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। भरतपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1868 हो गई है। भरतपुर में 1 कोरोना मरीज की मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना ने 27 लोगों की जान ले ली है। तो कोरोना को हराना है और कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं मामले, और अब तक अगर बात करें तो प्रदेश में 27 लोगों की जान चली गई है कोरोना से। हालांकि ठीक होने का आंकड़ा यानी स्वस्थ होने का आंकड़ा भी बड़ा है, 328 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से हॉटस्पॉट एरिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे जयपुर का रामगंज हो, चाहे अजमेर का दरगाह क्षेत्र हो, कोटा का मामला देखें, भरतपुर का देखें, भरतपुर के बयाना की बात करें, तो लगातार ये जो इलाके हैं वो हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं, यानी कि रेड जोन में ये एरिए एंट्री हो रही है। तो चलिए, हमारे संवाददाता लोकेश होला इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, हम बार बार यही बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार वो एरिए हॉटस्पॉट एरिए बनते जा रहे हैं, लेकिन सबसे राहत की बात अगर यह करें तो 328 लोग हैं जो स्वस्थ हो चुके हैं, ये भी एक राहत भरी खबर है। बिल्कुल, लगातार कोरोना का जहां ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वहीं जो रात की खबर ये है कि 328 कोरोना पॉजिटिव उनके जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो प्रदेश में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव है वो है, साथ ही नए कोरोना पॉजिटिव लगातार सामने आ रहे हैं। बात करें अब कोरोना पॉजिटिव की आज की, तो आज 2 बजे तक की जो रिपोर्ट आई थी, आधिकारिक रिपोर्ट, उसके अनुसार 133 आज कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं और अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या प्रदेश में 1868 हो चुकी है, जो एक बड़ी संख्या कही जा सकती है। बाकी अजमेर में हॉटस्पॉट जो एरिया है वो बन चुका है, जो दरगाह क्षेत्र है और जो अन्य जो कई क्षेत्र हैं जो लगातार इनकी हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं रामगंज के साथ में। लेकिन जहां जो राहत की खबर वो ये है कि 328 कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है, 97 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। बिल्कुल, और लोकेश ये भी खबर सामने निकल कर आई है कि SMS हॉस्पिटल के ICU में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो भी पॉजिटिव पाया गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो कर्मचारी है उसके संपर्क में आने वाले सभी डॉक्टर्स, नर्स को भी कहीं ना कहीं क्वारंटाइन किया जा रहा होगा। जी बिल्कुल, लगातार जो चिकित्सा कर्मी है वो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, और बात करें तो SMS अस्पताल के आज ICU में भी एक जो नर्सिंग कर्मचारी था, संविदा कर्मचारी, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसी के साथ में SMS अस्पताल के जो ट्रॉमा सेंटर में, जहां पर भी एक पहला संभवतः मामला है वो सामने आया है, वहां पर भी लाइफ लाइन केयर में काम करने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर वो कोरोना पॉजिटिव सामने आया। इसी तरह बात करें तो अब तक तकरीबन 8 कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर आ चुके हैं, जो भी एक चिंता की बात की जा सकती है। नर्सिंग कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, एम्बुलेंस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, एम्बुलेंस कर्मचारी आज जोधपुर में भी, एक शास्त्री नगर का रहने वाला एम्बुलेंस कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव आया है वहां पे भी। तो ऐसे में जो चिकित्सा कर्मी और जो आवश्यक सेवाओं में लगे हुए कर्मचारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, वो एक गंभीर जो चिंता का विषय वो बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह जो कोरोना वॉरियर्स हैं वही कोरोना की जद में आ रहे हैं, तो आखिर में बचाने वाला कौन रहेगा, एक ये बड़ी चिंता है। लेकिन हालांकि जो चिकित्सा विभाग की ओर से उनको PPE किट है, जो N95 मास्क है, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाया जा रही है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों से कहीं कहीं खबर निकल के आ रही है कि उनके पास PPE किट नहीं पहुंच रहे हैं, N95 मास्क नहीं पहुंच रहे, उनको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने निर्देशित किया है कि जल्दी से जल्दी उनके पास भी ये सब सुविधाएं उपलब्ध हो। तो चिकित्सा कर्मचारी है और अन्य जो कर्मचारी, कोरोना पॉजिटिव आना भी एक बड़ी चिंता का विषय है। लगातार जिस तरह से प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या बढ़ती जा रही है और वो आज 1868 हो चुकी है, और अभी रात की जो 9 बजे की रिपोर्ट है वो आना भी बाकी है। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया लोकेश आपका।